So let us understand the exercise covering normal loss, abnormal loss and abnormal gain and the preparation of the process account. See, the question is given: in process, 100 unit of raw material were introduced at a cost of rupees 1000. So yahan pe aapko 100 unit input diya hai aur उसकी कॉस्ट 1000 रुपीज दिया है, तो इसको हम डेबिट साइड पे बता देंगे। पहली बार तो ये होगी। द अदर एक्सपेंडिचर बाय द प्रोसेस वाज रुपीज 600, बाकी के एक्सपेंसेस 600 रुपीज है, रेडीमेड डेटा दे दिया है। ऑफ द यूनिट इंट्रोड्यूस 10% नॉर्मली लॉस, तो 10% नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है, तो 100 का 10% होगा 10, 100 का 10% 10 यूनिट हमारा नॉर्मल लॉस हो जाएगा। और उसकी स्क्रैप वैल्यू 3 रुपीज है, इस नॉर्मल लॉस को सेल करोगे तो 3 रुपीज स्क्रैप वैल्यू मिलेगा, ये आपको दिया है। आउटपुट ऑफ प्रोसेस वॉज 75 यूनिट, एक्चुअल आउटपुट आपको दे दिया है, 75 यूनिट्स मिलने वाला है। तो अब आप ओरली कर सकते हो कैलकुलेशन, 100 यूनिट इंट्रोड्यूस किया, उसमें से 10% मतलब 10 नॉर्मल लॉस है, तो आपका नॉर्मल आउटपुट होगा 90 यूनिट्स, आपको 90 यूनिट्स मिलने चाहिए, पर एक्चुअली मिले कितने हैं 75, तो इसका मतलब क्या हो गया, 15 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो गया। बहुत सिंपल चीज है कि आपने 100 यूनिट डाले, उसमें से 10% नॉर्मल लॉस है, तो 90 यूनिट आपका नॉर्मल आउटपुट है, नॉर्मली इतना आउटपुट मिलना चाहिए 90 यूनिट, पर एक्चुअली मिला कितना 75 ही मिला, तो 15 यूनिट जो हो रहे हैं वो 15 यूनिट आपके हो गए हैं एबनॉर्मल लॉस के। तो ये यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आप बता सकते हो, नॉर्मल लॉस 10%, 100 का 10% 10, जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है वो बता देना है। तो यूनिट्स आप पहले लिख दोगे तो वैल्यू इजीली काउंट कर सकोगे। यहाँ पे इनपुट मटेरियल आपको दिया है, 100 यूनिट आपने डाला है, 100 यूनिट इस प्रोसेस में आपने इंट्रोड्यूस किए हैं, मैं पिंक से यहाँ पे बता रहा हूं, उसकी 1000 रुपीज वैल्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। अदर एक्सपेंस 600 रुपीज दिया है, वो भी लिख देते हैं डेबिट साइड पे। अब आपको क्या करना है, एक्चुअल आउटपुट दिया है वो भी बता देना है, तो एक्चुअल आउटपुट 75 यूनिट्स दिया है, तो वो हमने बता दिया एक्चुअल आउटपुट 75 यूनिट्स, सारी चीजें क्वेश्चन में आपको दिया है, यूनिट्स आप पहले लिख दो। अब टोटल करना है, तो टोटल आएगा 1000 यूनिट्स का, टोटल आएगा 100 यूनिट का हमारा इनपुट था, दोनों साइड लिख दो, डिफरेंस माइनस डिफरेंस आपको मिल जाएगा एबनॉर्मल लॉस का 15, जो ओरली भी हमने अभी बता दिया। डेबिट साइड का टोटल करते हो तो 1600 रुपया आ रहा है, यहाँ क्रेडिट साइड लिख दो 1600 रुपया। नॉर्मल लॉस का 30 रुपीज कैसे आया, तो देखो 3 रुपीज स्क्रैप वैल्यू है, तो 10 × 3 30 रुपीज वो मिल गया आपको, तो 30 रुपीज वैल्यू ये तो क्वेश्चन में दिया ही होगा, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जितने मैंने कलर किए हैं वो वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी, खाली एबनॉर्मल लॉस आपको काउंट कर लेना है। अब सबसे पहले तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है, बता देता हूं मैं फिर से आपको क्या करना है। डेबिट साइड का जो टोटल है वो ले लेना है, जैसे कि 1600 रुपया आपका कॉस्ट हुआ, उसमें से माइनस कर दो नॉर्मल लॉस का जो 30 रुपीज आपको स्क्रैप वैल्यू मिला, इसको आप डिवाइड कर दोगे नॉर्मल आउटपुट से, तो नॉर्मल आउटपुट कितना है, 100 यूनिट डाला, उसमें से 10 यूनिट तो हमारा नॉर्मल लॉस है, तो 90 यूनिट हमारा नॉर्मल आउटपुट है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है एबनॉर्मल लॉस के यूनिट से, तो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट हमें पता है 15 यूनिट आए हैं। इस इक्वेशन से आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी जो 262 आएगी, तो 262 कैसे आया वो आप यहां पे देख सकते हो, इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द वैल्यू 262।
तो 262 का कैलकुलेशन आपको दिया है, यहाँ पे अलग तरीके से दिया है, मैंने आपको बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हो। 262 रुपीज लिख देने के बाद अब क्या करोगे आप, अब आप 1600 रुपये में से वो 30 रुपीज और 262 माइनस कर दो तो बाकी का जो बचेगा 1308 वो आपका आ गया एक्चुअल आउटपुट जो आपको मिला है, उस एक्चुअल आउटपुट का वैल्यू आ गया 1308। अब आप चाहो तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हो, 1308 को 75 से डिवाइड कर दो तो आपको पर यूनिट कॉस्ट भी मिल जाएगा जो 17 रुपया आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ पे मैंने और तरीके से भी वर्किंग बताया, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, एवरीथिंग इज ओके। चलो, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, तो मैंने यहां पे और एक दो क्वेश्चन दिए हैं, लेट अस टेक दिस क्वेश्चन नंबर टू। ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम में तीन प्रोसेस दिया होगा, आपको याद रखना है कि प्रोसेस वन में से जो आउटपुट आएगा वो प्रोसेस टू में स्टार्टिंग में लिखना है, प्रोसेस टू का जो आउटपुट आएगा वो प्रोसेस थ्री में स्टार्टिंग में लिखना है। एबनॉर्मल लॉस दिया है तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, एबनॉर्मल गेन आ रहा है तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू दिया है तो क्रेडिट साइड पे आप लिख दोगे। अब हम नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट पे नहीं जाके प्रोसेस को समझते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड इन थ्री कंसेक्यूटिव प्रोसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ, द इनपुट ऑफ द प्रोसेस वन ऑफ द बेसिक रॉ मटेरियल इज 5000 यूनिट, तो 5000 यूनिट इनपुट है प्रोसेस वन का, ये आपको दिया है 2 रुपीज के हिसाब से है, तो ये प्रोसेस वन में आप डेबिट साइड बता दोगे, ये रहा प्रोसेस वन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो प्रोसेस वन के अंदर हमने इसको बता दिया 5000 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से, तो 10000 रुपीज ये हो रहा है। चलो, एक ये पॉइंट खत्म हुआ। अब देखो क्वेश्चन में प्रोसेस वन प्रोसेस टू प्रोसेस थ्री दिया है, स्टार्टिंग में आउटपुट दे दिया है, ये आउटपुट बहुत काम का है, इस आउटपुट से हमको नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू पता चलेगी, ये हमें उसमें वहां पे काम में आएगा, एक्चुअल आउटपुट है, क्रेडिट साइड लिख देना है, तो 4700 यूनिट हम प्रोसेस वन में क्रेडिट साइड लिख देंगे, लास्ट में प्रोसेस टू में जो ट्रांसफर करेंगे इसको, जो जो यूनिट्स मिलता है आप लिखते जाओ। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया है, प्रोसेस वन में 5% है, 5% का नॉर्मल लॉस होगा, तो किसका 5%? तो आपने जो यूनिट्स डाले वो इनपुट 5000 का 5%, तो 250 रुपया ये हो जाएगा 5000 का 5%, जो आपने 5000 यूनिट्स लिए उसका 5%, तो 250 आपको मिल रहा है नॉर्मल लॉस का यूनिट्स, ये आप लिख दोगे। स्क्रैप वैल्यू दिया है आपको, स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस वन का 1 रुपीज है, तो 250 × 1 तो 250 रुपीज आपको स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगा उसका, और एक्सपेंसेस भी दिए है, डायरेक्ट वेजेस का 3000 है, लिख देते हैं डायरेक्ट वेजेस का, अभी मैं प्रोसेस वन की बात कर रहा हूं तो प्रोसेस वन में ही हम देखेंगे। 9750 डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो 9750 डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया, जो जो डेटा अवेलेबल है उस प्रोसेस में लिख दो। अब
आपको यहाँ पे ऐसा बोला है ओवरहेड ऑफ ₹32,000 टोटल, देखो टोटल बोला है, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, चार्जेबल एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज के हिसाब से हमें लेना है, तो 32,000 का टोटल ओवरहेड है, 32,000 का टोटल ओवरहेड है, इसको हम तीनों प्रोसेस में डिवाइड कर देंगे। तो देखो डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज बोला है, तो डायरेक्ट वेजेस आपका है 3,000, 5,000 एंड 8,000, तो टोटल बनेगा 16,000 रुपया। ये जो 16,000 रुपीज है, इस तरीके उसके परसेंटेज में लेना है। तो यहाँ पे ओवरहेड आपको बताया है प्रोसेस वन में 6,000, कैसे आया 6,000 बहुत ध्यान से समझना, टोटल 32,000 है, प्रोसेस वन का डायरेक्ट वेजिस 3,000 है और टोटल 16,000। तो यहाँ पे स्टेप ऐसा बनेगा कि 16,000 टोटल है, तो 3,000 वेजिस आया हमारा, यहाँ पे 32,000 पे कितना होगा, तो वो आएगा 6,000, तो 6,000 आपको इस तरीके से मिल जाएगा। इसको फिर से समझा देता हूं कि डायरेक्ट वेजिस के परसेंटेज, तो डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज मुझे फाइंड करने हो प्रोसेस वन के, तो कैसे फाइंड करूंगा, प्रोसेस वन का डायरेक्ट वेजेस है 3,000 और टोटल वेजेस बन रहा है 16,000, तो 3,000 डिवाइडेड बाय 16,000, तो उसका परसेंटेज मिल जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो 32,000, तो आपको प्रोसेस वन का ओवरहेड मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम टोटलिंग करेंगे, तो यहाँ पे 5,000 इधर है टोटल, वो टोटल आप लिख दोगे दोनों साइड 5,000 रुपीज। अब चेक करना है डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस चेक करेंगे, तो देखो डिफरेंस चेक करने के लिए 5,000 में से 4,700 माइनस कर दो और 250 माइनस कर दो, जो आपने पहले से लिखा हुआ है, एक्चुअल आउटपुट 4,700 और नॉर्मल लॉस 250, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 50 यूनिट्स का, ये 50 यूनिट्स बता रहा है कि आपको यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो ये हम ये यूनिट्स फाइंड करने होंगे 50 यूनिट्स। अब 50 यूनिट एबनॉर्मल लॉस आ गया तो उसकी वैल्यू भी काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, बहुत सिंपल, ये जो टोटल आया 28,750, उसमें से माइनस कर देना है 250 नॉर्मल लॉस का, तो 28,500 होगा, उसको डिवाइड कर देना है नॉर्मल आउटपुट से, 5,000 माइनस 250 मतलब 4,750 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू मिल जाएगी 300। ये रहा यहां पे बताया हुआ है, जो भी है सारे एक्सपेंस का टोटल कर दिया तो 28,750, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 28,750 लिखा हुआ है, उसमें से 250 माइनस कर देना है नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड क्या करना है इनपुट माइनस 250 यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस, तो आपको पर यूनिट मिल गया 6 रुपया, इसको डिवाइड किया, इसको मल्टीप्लाई करना है एबनॉर्मल लॉस के यूनिट से 50 यूनिट, डायरेक्ट फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर दो या अलग से करो, तो 300 रुपया इसका एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू आ रहा है। ये आपका प्रोसेस वन का वैल्यू मिल गया एबनॉर्मल लॉस का। इसको लिखने के बाद अब डिफरेंस फाइंड करोगे आप, 28,750 में से 250 गए, 300 गए, तो बाकी बचेगा 28,200। ये आपका एक्चुअल प्रोसेस वन का जो भी वैल्यू आया है आउटपुट का, वो है जिसको आप प्रोसेस बी में प्रोसेस नंबर टू में ट्रांसफर कर दोगे। तो दो वैल्यू फाइंड करनी होगी, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू फाइंड करनी होगी आपको और ये प्रोसेस टू में जो ट्रांसफर करेंगे वो। अब क्या करेंगे, प्रोसेस बी बनाएंगे। प्रोसेस बी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये जो यूनिट्स मिले हैं 4,700 प्रोसेस बी में स्टार्टिंग में लिख दो, जो वैल्यू मिली है 28,200 जो डिफरेंस है टोटल करने के बाद मिला वो यहाँ पे लिख दो, ये लिख दिया आपने।
अब वन बाय वन जो भी डेटा है वो लिखते जाओगे आप, वही प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा। चलो इसको देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोसेस टू की। तो प्रोसेस टू में 4300 यूनिट मिल रहे हैं। सबसे पहले तो 4300 क्रेडिट साइन लिख देना है, ये रहा प्रोसेस टू का आउटपुट 4300। जो प्रोसेस थ्री में हम ट्रांसफर करने वाले हैं ये लिख दिया 4300। जो जो डेटा है वो आपको बता देना है। ये आपने 4700 ऑलरेडी लिख दिया था जो आप प्रोसेस वन से लाए थे, जो आपको डेटा पहले से मिल चुका है। डायरेक्ट वेजेस का क्वेश्चन में अमाउंट दिया है 5000, वो लिख दिया। 9910 डायरेक्ट एक्सपेंस की अमाउंट दी है, वो लिख देनी है आपको। फिर से ओवरहेड आया, तो ओवरहेड क्या है, डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस प्रोसेस टू में 5000 है, तो 5000 डिवाइडेड बाय 16000, इन तीनों का टोटल 5000 डिवाइडेड बाय 16000 इंटू 32000 करोगे, तो 32000 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 16000, तो वो 10000 वैल्यू आपको ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस की अमाउंट मिल जाएगी। नॉर्मल लॉस की बात, तो नॉर्मल लॉस बोला है क्वेश्चन में 10% है, जो भी आपने इनपुट डाला उसका 10% है। तो हमने कितना इनपुट डाला, तो प्रोसेस टू में हमने इनपुट डाला है 4700, 4700 का 10% 470, ये आपको लिख देना है। ऑलवेज इसके परसेंटेज आएंगे जब भी आप नॉर्मल लॉस फाइंड करो, तो ये इनपुट का परसेंटेज आएगा। मैंने लाइन ड्रॉ करके बताया, यहाँ पे 4700 का 10% सभी में अलग अलग हो गया, वो लेना है। चलो ए लिख देने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले तो यूनिट्स फाइंड करेंगे, गेन वाला के लॉस। तो देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा बन रहा है 4770 4770 और डेबिट साइड खाली 4700, तो 70000 डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है। ये बता रहा है कि हमें गेन हुआ, तो यहाँ पे गेन हो रहा है। अगर क्रेडिट साइड आता डिफरेंस तो लॉस होता। अब इस गेन की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। क्या करना है मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूं। यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ले लेना है, तो आपका डेबिट साइड का टोटल 28200 और 5000, 9910 और 10000, इन सबका टोटल कर देना है। चलो इसका टोटल कर लेते हैं, डेबिट साइड के जो भी अमाउंट है उसका टोटल करना है। तो वो अमाउंट आ रहा है इन चारों का टोटल, जो मैंने कलरिंग किया है उन चार का टोटल आ रहा है 53110। इसमें से आपको माइनस कर देना है नॉर्मल लॉस का वैल्यू, जो आपने वहां पे क्रेडिट साइड पे लिखा है 2350। इसको आप डिवाइड कर दोगे नॉर्मल आउटपुट से, तो नॉर्मल आउटपुट कैसे मिलेगा, तो हमारा 4700 हमने इनपुट डाला था, उसमें से 470 हमारा वो नॉर्मल लॉस हो गया। तो इसको करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है एबनॉर्मल गेन के यूनिट से या तो लॉस के यूनिट से। तो गेन हो रहा है तो 70 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी जो आएगी 840। इस तरीके से आपको ये करना है। यहां पे क्वेश्चन में आपको इसका वर्किंग नीचे दिया हुआ है, यहां पे बताया भी हुआ है, आप कर सकते हो। तो हमने 840 फाइंड किया, वो 840 यहां पे लिख देंगे। अब टोटलिंग, तो यूनिट्स वाला तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब अमाउंट वाली बात करें तो 53950 यहाँ पे लिख देना है आपको, दोनों साइड लिख दिया, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो वो लिखना है। उसमें से नॉर्मल लॉस का 2350 माइनस कर दो, जो पहले से हमने लिखा हुआ है क्योंकि हमने वो पहले काउंट किया था, तो बाकी जो बचेगा वो आएगा 51600, जो आपका इस प्रोसेस का
वैल्यू हो गया। तो प्रोसेस थ्री में उसको ट्रांसफर करना है, इसलिए कि देखो प्रोसेस टू में प्रोसेस थ्री लिखा है, प्रोसेस टू का जो आउटपुट आएगा प्रोसेस थ्री में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसको अब प्रोसेस थ्री जब आप बनाते हो तो प्रोसेस थ्री बनाते वक्त सबसे पहले आइटम यहाँ पे आ जाएगा, ये 4300 लाइन कर रहा हूं मैं, और ये 51600 यहाँ पे आ जाएगा। फिर से वही प्रोसेस चालू रहेगा। तो थर्ड प्रोसेस मैं आपको बता नहीं रहा हूं,